हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रायश एजू। सो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 10 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 में जो हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके आज हम एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलो देखते हैं क्या क्या है इस क्वेश्चंस में। लेकिन इसके पहले स्टूडेंट, मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, फॉर मोर वीडियोज, वर्कशीट्स एंड टेस्ट पेपर्स काइंडली विजिट एट www.prayashaju.com, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहां पे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस। फर्स्ट यहां पे है, वन सेल थिक वेसल्स आर कॉल्ड डैश, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कैपिलरीज। नेक्स्ट वन इज, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड डैश, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, स्फिग्मोमीटर। नेक्स्ट वन इज, ऑल इज ट्रू फॉर ब्लड प्रेशर, बट इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ब्लड प्रेशर के लिए सही नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर 1, ब्लड प्रेशर रिमेंस द सेम अक्रॉस द होल बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, एक्सक्रीशन। नेक्स्ट वन इज, द जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ट्रांसपोर्ट ऑफ वॉटर। नेक्स्ट वन है, द लॉस ऑफ वॉटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज डैश, एंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, ट्रांसपीरेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे स्टूडेंट, फ्लोएम इज अ वेसल इन द प्लांट्स विच कैरीज, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, प्रिपेयर्ड फूड टू अदर पार्ट्स फ्रॉम लीव्स। नेक्स्ट वन इज, फ्लोएम टिश्यू ऑल्सो कंटेन्स डैश, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कंपेनियन सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच फूड इन लीव्स इज प्रिपेयर्ड इज डैश, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट वन है, द कंटेंट्स इन द रूट हेयर मेक डैश, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सेल कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिपेंड्स ऑन डैश, एंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, प्लांट्स कंडीशन एंड सराउंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिमूवल ऑफ हार्मफुल एंड अनवांटेड टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज डैश, एंड द आंसर इज एक्सक्रीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे स्टूडेंट, मोर देन हाफ ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम इज द डैश, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, प्लाज्मा। नेक्स्ट वन इज, द सर्क्यूलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज कंपोज ऑफ डैश, हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स और ऑल ऑफ देम, एंड हियर द ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ देम इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फोर्स दैट ब्लड एग्जर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड डैश, एंड द आंसर इज ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिक्युलर सिस्टोल इज कॉल्ड डैश, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, सिस्टोलिक प्रेशर। नेक्स्ट वन इज, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड डैश, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड डैश, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, स्टोमाटा। नेक्स्ट वन इज, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर, क्लोरोफिल, सनलाइट और ऑल ऑफ देम, एंड हियर ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड डैश, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, लाइफ प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्सेस फॉर सेल्युलर नीड इज कॉल्ड डैश, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, रेस्पिरेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड और एब्जॉर्ब्ड इन वन पार्ट ऑफ बॉडी आर कैरिड टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैनॉट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड इज कॉल्ड डैश एंड द आंसर इज हेटरियोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. नेक्स्ट वन इज द फ्लूइड रीचिंग द एंड ऑफ कलेक्टिंग डक इज कॉल्ड डैश एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 यूरिन. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डैश इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा बट कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 लिम्फ. नेक्स्ट वन इज द डैश ऑल्सो रिमूव्स बैक्टेरिया फ्रॉम टिश्यूज एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 लिम्फ. Next one is in the human heart, blood passes through the heart twice in one cardiac cycle. This type of circulation is called dash and the answer is option number 2, double circulation. Next one is in respiration, energy not converted in ATP is dash and the answer is option number 2, converted into heat. Next one is plants breathe through tiny pores in the leaves called dash and the answer is option number 4 stomata. Next question hai yahan pe student. Which of the following are stages of respiration in the correct order? And the answer is option number 2 breathing, gaseous transport, tissue respiration and cellular respiration. Next one is the most common substrate of respiration is dash and the answer is option number 3 glucose. Next question is dash are two modes of nutrition and the answer is option number 1 autotrophic mode and heterotrophic mode. Next question hai the organism which carry out autotrophic nutrition are called dash and the answer is option number 2 autotrophs. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्टूडेंट द सर्क्यूलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन ह्यूमन बींग्स एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 ट्रू. नेक्स्ट वन इज डैश आर थीन वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी डिऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू द हार्ट एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 वेन्स. सो स्टूडेंट ये थे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस जो हमने आपके लिए तैयार किए हैं. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके आने वाले एग्जाम में ये एमसीक्यू टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं आपको बहुत ही यूजफुल होंगे. तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में दिए हुए बेल आइकन पर भी क्लिक करो. तो स्टूडेंट इस वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद. हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे. थैंक यू.